नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास चुनावी प्रोग्राम वोटपथ में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिंह। आज हम पहुंचे हैं साहित्य की नगरी उन्नाव में। उन्नाव वो जिला जो दो महानगर लखनऊ और कानपुर के बीच में तो बसा है, लेकिन आज भी अपनी पहचान को बनाए रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। आज हम उन्नाव में अलग अलग इलाकों में जाएंगे और यहाँ की जनता से जानेंगे कि 2022 के चुनावी महासभा में वो जब वोट देने जाएगी तो आखिर यहाँ की जनता क्या सोच के जाएगी और किन मुद्दों पर अपना वोट देगी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा सीट के रूप में पहचान रखने वाले उन्नाव को अगर हम विधानसभा वार देखें तो ये 6 विधानसभा सीटों में बटा हुआ है। साल 2017 में यहाँ की 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, तो एक पूर्वा विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल सिंह ने कब्जा किया था। हालांकि साल 2018 में राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के चलते अनिल सिंह को बहुजन समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया था। उन्नाव की जनता का क्या मानना है कि आने वाले 2022 के महासमर में इस बार उन्नाव की जनता आखिर किस सियासी मूड के साथ अपना वोट देने जाएगी, और जब लोकतंत्र का चुनाव होता है तो उसमें बड़ी भूमिका महिलाओं की होती है, और जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं कि 2017 हो या 2012 हो, जब भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने जिसका साथ दिया है सरकार उसी की बनी है। तो उन्नाव की कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आने वाले इस चुनाव में इन लोगों ने क्या मूड बना रखा है। आप बताइए कि इस बार जब चुनाव होगा तो क्या मूड बना के आप जाएंगी, क्या सियासी मूड आपका रहेगा? जी, हमारा मूड तो यही है कि हम भाजपा को वोट देंगे क्योंकि उनकी नीतियों से हम संतुष्ट हैं। योगी जी की जितनी भी योजनाएं लाए हैं उनसे भी हम संतुष्ट हैं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे ये जो फ्री राशन दिया जा रहा है 6 महीने से और कोरोना काल से लगातार, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे तो लगता है कि हम भाजपा से संतुष्ट हैं और योगी जी को दोबारा लाएंगे। बिल्कुल, योगी जी को आप दोबारा लाना चाहेंगे। मैम, 2017 से अगर हम बात करें तो 5 साल करीब हो गए, इस सरकार के कामकाज में अच्छा या बुरा आपको क्या लगा और आपके जीवन में क्या बदलाव आया? सर, हम लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो लेडीजें बाहर निकल के कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को फ़ायदा हुआ कोरोना में हुआ, क्योंकि जो चीज़ें बिल्कुल लोगों को मतलब जो ये नहीं हो पा रहा था कि जिस तरह सरकार ने हम लोग को बेनिफिट दिए, जितनी जल्दी अपने को कवर किया गया, यह सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हुई। लेडीजों के लिए जो शौचालय का काम हुआ या कन्याधन वगैरह किया गया, इन सब चीज़ों से हम लोगों को लेडीजों को बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या आत्मनिर्भरता की बात हो तो कहीं ना कहीं सरकार के जो काम है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। मैम, आपका क्या मानना है कि आप वोट देने देते जब देने जाएंगी क्या आधार सोच कर जाएंगी, कैसे सरकार का आकलन करेंगी? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे जीते पापा हो, सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि महिलाओं के बारे में अगर कोई सोचती तो सिर्फ एक सरकार है, सिर्फ एक सरकार ने ही महिलाओं के बारे में सोचा है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय वो सरकार तो बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी को ही मैं वोट दूंगी, क्योंकि आज बहनें, आप चाहे जिस कास्ट की बहन से पूछ लीजिए, चाहे जिस धर्म की बहन हो, सब महिलाएं सिर्फ यही कहेंगी कि हम लोग जितना योगी सरकार के सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, उतना किसी भी सरकार में हम लोगों ने महसूस नहीं किया सुरक्षित। सच बात है कि अगर महिला के सम्मान की बात हो और अगर वो किसी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हो तो यकीनन वो उसका सराहना करेगी। आपका भी क्या इत्तेफाक रखती हैं आप? बिल्कुल सही है। जब से ये सरकार आई है तो हम सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, इसके अलावा हमारा देश भी सुरक्षित है। अभी तक कि भारत को कोई नहीं जानता था, यहाँ के प्रधानमंत्री जानते थे, जाते थे तो कोई पूछ नहीं होती थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश की पहचान है, तो इस वजह से हम मोदी को ही वोट देना चाहेंगे और चाहेंगे हमेशा भाजपा। चुनाव तो योगी जी का हो रहा है? नहीं सॉरी, योगी जी को। यानी देखिए, कहीं ना कहीं जो 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 सरकार की इमेज है उस पर मोदी सरकार की जो इमेज है वो हावी है। बिल्कुल हावी है, और साथ में योगी जी का भी है, क्योंकि आज सभी लोग सुरक्षित हैं। पहले आते जाते कहीं ना कहीं कोई कांड हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी, गुंडा राज चरम सीमा पे था। आज लेकिन कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता है, जो भी गलत करता है वो पकड़ा जाता है और जल्द से जल्द उसको सजा मिलती है, तो इस डर से सारी जनता सुरक्षित है और हम फिर चाहेंगे कि योगी ही आवे।
चलिए योगी आवे तो कहीं ना कहीं महिलाओं की अगर हम खास कर बात करें तो सुरक्षा की बात हो, सम्मान की बात हो या कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाएं यहाँ की बेहद संतुष्ट दिख रही हैं योगी सरकार के कामकाज से। अब हम शहर के दूसरे हिस्से में चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर बाकी लोगों का क्या मानना है कि सरकार को लेकर उनके जहन में क्या रहेगा और जब वोट देंगे तो उसका आकलन वो कैसे करेंगे। वोटपथ के अपने पड़ाव में अब हम उन्नाव के एक और हिस्से में आ गए हैं और यहाँ पर हमारे साथ जनता मौजूद है जो लगातार हम इनसे बात कर रहे हैं कि इस बार जब 2022 के चुनाव में वो वोट देने जाएंगे तो उनके जहन में क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या आधार होगा, और इन्हीं सबसे हम बात करने की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप जब वोट देंगे इस बार तो क्या सोच के जाएंगे वोट देने के लिए और किसको चुनेंगे? मेरा नाम स्वयं श्रीवास्तव है और चूंकि ये साहित्य नगरी उन्नाव और मैं कविताएं भी करता हूँ और आप जानते हैं कि कवि और कविता सत्ता का स्थायी विपक्ष भी होता है। पहले तो कुछ सुना दीजिए। अच्छा, मैं चार पंक्तियाँ सुना देता हूँ। युवाओं की बात करता हूँ तो युवा जब कोई नया रास्ता चुनते हैं तो क्या उनके मन में मनस्थिति क्या होती है, चार पंक्तियाँ सुना देता हूँ। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। तो जब नया रास्ता चुनते हैं तो लगता है कि जब ये मुसीबतें आए तो क्या छोड़ दिया जाए, लेकिन वहाँ पे मनस्थिति होती है कि नहीं यार अब ठान लिया तो कर गुजरेंगे। तो वोट देने वक्त मेरे दिमाग में चीज़ें ज़रूर रहेंगी, पिछला 5 वर्ष और ये 5 वर्ष की तुलनात्मक भी रहेंगी चीज़ें। स्थायी विपक्ष होता है कभी, लेकिन सत्ता अगर कुछ अच्छे काम करे तो उसकी प्रशंसा भी बनती है। तो मैं किसी एक का नज़रिया क्या है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं निश्चित ये चाहूँगा कि एक मौका इन्हें और मिलना चाहिए। आवारा जानवरों की समस्या मैं देखता हूँ, गांवों में किसान छोटे छोटे खाता धारक हैं और वो बेचारे सर्दियों में जनवरी दिसंबर की रातों में खेतों में लेटते हैं और जानवरों को ताकते हैं, फिर भी अपनी फसलें नहीं बचा पाते हैं। तो ये कई सारी समस्याएं हैं, महंगाई एक समस्या है, उससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। बाकी जो प्रशंसनीय काम है जैसे योगी सरकार ने किया है, कानून व्यवस्था को लेकर इन्होंने अच्छा काम किया है, कई प्रदेश में अच्छी अच्छी योजनाएं इन्होंने लागू की हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका इनको मिलना चाहिए। बाकी इन जो समस्याओं पे थोड़ा सा सरकार को जमीन पे ध्यान देना चाहिए। सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार नसों में है। आप वैक्सीन लगा रहे हो, एक वैक्सीन लगाओ जो सीधा बाबुओं पे अटैक करे। इस सरकार पर आरोप लगा रहे? सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आप उनसे बेटर हो, मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं बेटर शिक्षक हूँ तो मैं मुरादाबाद को मुर्दाबाद भी नहीं बोलूँगा। सीधी सी बात है, अगर आप कहते हो कि मैं 2017 वालों से ज़्यादा बेटर हूँ तो फिर आपके ऊपर यूपी टेट उन्होंने लीक करा है, ये कुछ नहीं, मैनेजमेंट अगर इनको दिया जाए तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, वरना फिर आप में कोई फर्क नहीं। सीधी सी बात, अब आप समझ के, ये तो समझ में आ गया कि उन्नाव को साहित्यिक नगरी क्यों कहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बताइए, आप भी युवा हैं, इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अनुभव ने जितनी बातें कही उन सभी बातों से मैं सहमत हूँ। देखिए, सरकार किसी की भी हो, उन्नाव साहित्य की नगरी है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, हजरत मोहानी साहब की धरती है, प्रताप नारायण मिश्र की धरती है। यहाँ पे बड़े बड़े साहित्यकार और क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, उन्नाव का इतिहास बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए कैमरा अपना पीछे की तरफ घुमा दें तो आप देखें ये यहाँ पे गड्ढा खोद के रखा हुआ है, कितने दिन से ये गड्ढा खुदा हुआ है। आप साफ़ सफाई की यहाँ पे व्यवस्था का जायज़ा ले लें, साफ़ सफाई की यहाँ पे क्या व्यवस्था है, रोड पूरी तरह से ख़राब है, ट्रैफिक की व्यवस्था उन्नाव जनपद में पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है। आपकी क्या राय है, इस बार चुनाव से पहले आपने क्या सोचा है, किसको लखनऊ पहुंचाएंगे? देखिए, फर्क साफ दिखता है, जो लखनऊ में हैं वो लखनऊ में विराजमान रहेंगे और जनता भी यही चाहती है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल का काम हुआ है वो अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी सरकारों से तो उससे बेहतर है। क्या कमियां हैं ये सबको पता है, समय लगता है सुधारने में, और जो छोटे भाइयों ने कहा उस पर मैं कहीं वो नहीं करता हूँ टीका टिप्पणी कि क्या गलत क्या सही है, लेकिन जो गलतियां हैं या वो है उसमें आगे सुधार होंगे। लेकिन जो दूसरी सरकारों ने किया, इस सरकार में बहुत सारे, जैसे आप राष्ट्रवाद को लेकर बात करें, धार्मिक स्थलों की बात करें, धार्मिक आयोजनों की बात करें, जो सरकारों ने, जैसे आज आप देख रहे हैं कि चंदन और माला रुद्राक्ष की पहनकर मंदिर लोग घूम रहे हैं, कहते हैं हमको भी अगर मौका मिला होता तो हम मंदिर बनाते, लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, मंदिरों से माइक उतरवाए। क्या ये फर्क नहीं दिख रहा है? आज भी कुछ ऐसी सरकार जो सरकार में आने की पूरी जिम्मेदारी, कहते हैं कि हम पूरे बहुमत से सरकार हम बनाएंगे, ऐसे लोग जिन्ना की तारीफ करते हैं,
जिन्ना के आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो नया युवा है, जो नई पीढ़ी है, वो समझ चुकी है कि हम भारत विरोधी गतिविधियों का साथ नहीं दे सकते। हम राष्ट्रवाद पर साथ देंगे, भारत माता का साथ देने वंदे मातरम कहने वालों का साथ देंगे, और हम नहीं सारे समाज के लोग, इस भारत का जो सही राष्ट्रवादी व्यक्ति है वो ये चाहता है कि राष्ट्रवादी सरकारें आएं जो राष्ट्र के प्रति सोचें। सर, आपको भी लगता है कि राष्ट्रवाद मुद्दा रहेगा इस बार? राष्ट्रवाद मुद्दा रहे या न रहे, उससे हमारा तात्पर्य ये है कि जो महंगाई चल रही है, सिलेंडर इतना महंगा है, हम लोग व्यापार कर नहीं पा रहे हैं, हमारी स्थिति इससे है। राजनीतिक स्तर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ठीक है सरकार सब चले सब जो हमसे उससे मतलब कोई मतलब, लेकिन महंगाई का कंट्रोल होना चाहिए। इस हिस्से में लोग बेहद ज़्यादा नाराज़ हैं, धर्म मुद्दा है, मूलभूत सुविधाएं मुद्दा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों का मानना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और अब इस बार जब वो वोट देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस बातों को भी, इन बातों को भी अपने जहन में रखेंगे और इसको अपना आधार बनाएंगे।